हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएम लखनऊ काइट्स। और दोस्तों, बहुत सारे कमेंट थे आपके कि आशीष काइट सेंटर का वीडियो कब आएगा। तो आज आप लोगों के लिए, काफ़ी दिनों बाद मैं खुद आशीष भाई के पास आया हुआ हूँ। और आशीष भाई के पास जो स्टॉक है, वो आज का वीडियो जो है वो फैंसी चरखियों का वीडियो है। और ये आप देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन चरखियां यहाँ पे लगी हुई हैं, जो कुछ पीस हमने निकाल के यहाँ पे आप लोगों के डिस्प्ले के लिए रखे हैं। बाकी स्टॉक आशीष भाई के पास रखा है, तो अभी मैं एक एक करके बताता हूँ कि ये क्या क्वालिटी में है चरखियां और किस प्राइस में है। और अगर आप लोगों को चाहिए हो तो जल्दी फ़ोन करिएगा, तो आपकी पसंद की चरखी मिल जाएगी, नहीं तो बहुत जल्दी सेल आउट हो जाएगी। तो दोस्तों, देर नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं, आपको मिलवाते हैं आशीष भाई से और फिर हम जानते हैं कि इसके चरखियों के बारे में कि क्या प्राइस है, किस क्वालिटी में है। तो आशीष भाई, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों जी, बहुत दिनों बाद सर आप हमारे चैनल पे आए हैं। और कुछ पहले बताइए, क्योंकि बहुत सारे आपको नहीं बताना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है कि बहुत सारे कमेंट होते हैं कि आशीष भाई का वीडियो कब आएगा। नहीं, वो थोड़ा सा बिजी थे जी। चरखी का स्टॉक आया था बीच में हमारे जी। तो ये देखेंगे अभी अवेलेबल, ये 24 mm की चरखी है जी। काफी मोटा इसका चक्का है, ये बहुत जबरदस्त है जी। जी हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, 1 inch का टेप है आपका जी। ये 1 inch इसकी मोटाई, 1 inch की है। बिल्कुल, इससे आप बेहतर जान सकते हैं कि कितना मोटा चक्का है इसका। 1 inch वाला जो टेप होता है ये वो है, बिल्कुल 1 inch के बराबर ही उसकी मोटाई है चक्के की। पूरी 1 inch होगी, कम नहीं होगी। 12 mm, 24 mm, 24 mm जी, 24 mm है जी, लगभग 24 mm का चक्का है। और ये इस तरह का लट्टू लगा हुआ है, और ये लखनऊ की बनी हुई है, सारी चरखियां लखनऊ की बनी हुई है। देखिए, ये जो फैंसी चरखियां हैं सब, ये एक से एक खूबसूरत चरखियां हैं, इसमें सब लखनऊ की बनी हुई। सबसे अच्छी बात यही है आशीष भाई, चरखियाँ जो है बांस पे है, पाइप पे नहीं है। कोई भी चरखी पाइप पे नहीं है जी। इसमें जो है, जैसे पाइप में लोगों को ये रहता है कि निकल जाएगी पाइप जी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बांस की चरखियाँ हैं, ये रिपेयर भी हो जाती है जी। अगर कभी फ्यूचर में ये चरखी डैमेज होती है, या घुन वगैरह लग जाए, या टूट जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए जी, तो इसमें ये डंडी भी चेंज हो जाएगी और ये बांस की तीलियाँ भी चेंज हो जाएंगी। लेकिन वो शॉप पे आपको ला के देनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा, तो वो चेंज हो जाएगी और उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। और ये देखिए, ये जो है इसका हैंडल जो है, बेंत का है, लकड़ी, ये भी बेंत का है, लकड़ी का नहीं लगाया गया है, तो क्योंकि बेंत का मजबूत होता है जी। और जल्दी टूटने की जो शिकायत होती है इसमें हैंडल में, वो इसमें। और इसका लट्टू भी आप देखिए, बहुत बढ़िया लगाया है। तो क्वालिटी जो है इस चरखी में काफी अच्छी पाई गई है, काफी मोटी चरखी, ये सालों साल चलती है, खराब होती है। हाँ, ये सालों साल के लिए है। और इसका प्राइस भी हम जानेंगे आशीष भाई के, क्या प्राइस में मिलेगी। 900 rupees। तो देखिए, 900 rupees में बहुत बढ़िया क्वालिटी में है, 1 inch की मोटी है, और इस पे हमें लगता है 2 cones बहुत आराम से आ जाएंगे। हाँ, ये 12 reel की है जी, 2 cones आ जाएंगे, 2 cones बहुत आराम से आ जाएंगे, आप 2 cones भरवा सकते हैं। और काफी वजन है इस चरखी में, मतलब ये ऐसे ही काफी बेहतरीन है कि अगर आप 1 cone भी भरवाते हैं तो आपकी चरखी काफी बढ़िया परफॉर्म करेगी। हाँ, अच्छी तरीके। इसके बाद नेक्स्ट चरखी ये देखिए जी, ये चरखी है आपकी, ये देखिए आप, बेहद खूबसूरत चरखी है। मैं आपको ये डमरू फरमे पे, क्या बढ़िया मतलब जी, डमरू फरमे पे नहीं, मतलब ये इसका स्टाइल जो डमरू स्टाइल में है, ये स्टाइल है, ये पीली का जो स्टाइल है, ये भी लखनऊ की, और काफी लोग पसंद कर रहे हैं आजकल इस स्टाइल को, इसलिए ही ये चरखी आ रही है। और ऐसा माना जाता है कि ये एक्रेलिक का ये जो है टॉप लगा हुआ है यहाँ पे जो जी तो लोग इस चरखी को ऐसा माना जाता है कि थोड़ा मजबूती के हिसाब से ये ज्यादा होती है, मजबूत भी होती है, प्लस ये है कि इसमें आप अगर 1 cone भी डालेंगे तो आसानी से खुल जाएगा जी। हाँ, ये इसका एक प्लस पॉइंट है, एक प्लस कि अगर 1 cone भी होगा तो आसानी से वो जो है उसको ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ेगा, तो खुल जाएगा आसानी से। और ये देखिए, बढ़िया फिनिशिंग है, बहुत साफ है चरखी, ये हाथ में गड़ नहीं जी, रहा जी, कहीं गड़ नहीं रहा, यही सबसे अच्छी। और इसका ये भी काफी, देखिए काफी मोटा है ये जी, ये लगभग 12 mm की होगी, 12 mm में, 10 से 12 mm के बीच में जी, मेजर कर लेंगे जी। और देखिए, बेंत का हैंडल लगा हुआ है, अंदर से भी कितना मोटा है, अंदर से भी आप हैंडल देख सकते हैं उसका बेंत का। और ये देखिए, बाहर से भी जो है तो सब बेंत पे है, और काम जो है काफी अच्छा, सफाई का काम है इसमें। और हम ये ट्रांसपेरेंट होगा जी, ट्रांसपेरेंट है, काफी खूबसूरत चरखी लगी हमको ये।
और इसका आशीष भाई प्राइस भी थोड़ा सा जो है बताइए, इसका प्राइस कितना आशीष भाई? ये 650 की होगी, 650 रुपए जी। तो देखिए 650 रुपए में जो चरखी है, मुझे सबसे ज्यादा बहुत इसमें बहुत खूबसूरत चरखी लग रही है और बहुत क्लियर इसका जो ग्लास है वो बहुत क्लियर ग्लास है, बिल्कुल क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब बिल्कुल भी जैसे स्पॉट होते हैं किसी किसी ग्लास में वो नहीं है, बिल्कुल बहुत क्लियर ग्लास है और काफी अच्छा है ये, और मीडियम में है तो कंफर्टेबल भी काफी है। तो ये आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि कितना क्लियर ग्लास है इसका, जो पीछे सिक्का रखा है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट बहुत अच्छी है चरखी, और 650 रुपए के प्राइस के हिसाब से बहुत सही है चरखी है। और इस तरह ये तो उसी का ही है एक और, तो देखिए तीसरे नंबर पे जो चरखी है इसमें और भी डिजाइन आते हैं लेकिन खत्म हो गए जी, ये डिजाइन इस समय स्टॉक में होगा जी, और ये 600 के अप्रोक्सीमेट 600 रुपए का है ये डिजाइन, आपको बिल्कुल बेहतरीन है, इसमें भी काफी बांस पे ही होगा पूरा, सब पाइप पे नहीं मिलेगा आपको, पाइप पे कोई भी चरखी नहीं है, और ये हैंडल भी वही जो है बेंत का हैंडल है, जो लट्टू होगा इसमें जो लगा रहे ये सारे सबके लट्टू देखिए आप, बिल्कुल भी किसी में टेम्परेरी वाला नहीं काम है, बहुत शानदार लट्टू लगाया है इसमें भी, फिनिशिंग भी अच्छी है, फैंसी चरखी अगर जिसको चाहिए हो तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है फैंसी चरखी में, ये 600 रुपए की है जी, और इसमें जो डिजाइन है वो आपको मिल जाएगा, और इसके बाद इसमें बढ़ते हैं, ये 500 की है जी, इसमें तीन कलर मिल जाएंगे जी, एक लाइट ब्लैक, एक ट्रांसपेरेंट और एक लाइट ब्लू, तो ये देखिए आप, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ब्लैक, ट्रांसपेरेंट व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट ब्लू, तो ये आपको ब्लू वाली चरखी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए फिनिशिंग होगी बढ़िया, क्या फसनी नहीं है इसमें, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, और ये भी मोटा है काफी, और इसका भी देखिए ये जो है ये प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का लगाया गया है, सब में वही है, बांस की है, बेंत का हैंडल लगा हुआ है सब में, सब में बेंत की क्वालिटी वाइज सब चरखियाँ बहुत बेहतरीन बनाई गई है, और इसका प्राइस कितना बताया आपने? ये सर 500 की है, 500 रुपए की है, इससे कम रेट में चाहिए होगी तो कुछ स्टॉक वो भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी, वो ओल्ड स्टॉक है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक, और जब तक आशीष भाई दिखा रहे हैं तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि देखिए इसी में एक व्हाइट प्लेन कलर है, 500 रुपए में ही आपको मिल जाएगा, और अगर आप ब्लैक चाहते हैं तो ये ब्लैक भी बहुत खूबसूरत चरखी है, और सभी मजबूत चरखियाँ हैं, आपको जो भी चाहिए हो, तो ये एक फैंसी चरखियों का स्टॉक था, अभी कम प्राइस की चरखियां भी मैं आपको इसी कड़ी में दिखाता हूँ, तो ये देखिए एक और चरखी, अगर आपको देखिए इस तरह की बहुत सारी चरखियों का स्टॉक है आशीष भाई के पास, ये थोड़ा उससे पतला है और कम प्राइस की चरखी है, ये 250 रुपए की, 250 रुपए की है, ये दिल्ली की है, अच्छा जी, ये दिल्ली की है और लकड़ी का हैंडल होगा, ये 250 रुपए की है, पाइप पे होगी, सारी जो है हमारी जो लखनऊ की चरखियां हैं जी, वो सारी जो है बांस की डंडी पे होगी और मजबूती ये पाइप पे होगी, जो 250 रुपए की है, ये 250 रुपए की दिल्ली मेड चरखी, दिल्ली मेड चरखी जी, इसके अलावा इसमें दिल्ली की ही थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की आ जाएगी जी, ये देखिए इसमें एल्युमिनियम का लट्टू मिल जाएगा आपको जी, और बेत का हैंडल मिलेगा, और ये जो है जी मिल जाएगा, ये भी थोड़ा उससे मोटा है चक्का, ये 350 रुपीज की है, और ये जो है ये बेंत का लगा हुआ है इसमें जी, बेंत का लगा हुआ है, ये एल्युमिनियम का लट्टू है जी, और ये पुराना स्टॉक है हमारे पास थोड़ा बहुत है जी, तो वो मिल जाएगा 350 रुपीज का जी, अब शायद हो सकता है कि वो रेट बढ़ गया हो, पता नहीं है जी, तो ये पुराना स्टॉक की वजह से आशीष भाई बता रहे हैं 350 रुपए की है, ओल्ड स्टॉक है, ओल्ड प्राइस है, ओल्ड ही प्राइस है इसीलिए, और इसमें ये एक और ये रखी चरखी फैंसी, ये ऑरेंज कलर भी अवेलेबल है कुछ पीस, ये कलर बहुत बेहतरीन लग रहा है, आप लोग देखिए, और ये कितने की आशीष भाई? 350 350 की, अच्छा उसी की ही है, इसका भी जो ये है हैंडल है बेंत का है जी, और ये अंदर जो होगा पाइप ये पाइप पे होगा, ये देखिए सर आप देखिए लखनऊ की क्वालिटी देखिए आप, इसमें भी है दोनों बेंत का हैंडल लगा हुआ जी, पर आप जो है बेंत की हैंडल की मोटाई की हैंडल की मोटाई भी बिल्कुल पता चल रही है कि ये इससे ये वाला जो हैंडल है इससे काफी मोटा है, और जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है ये सारी फैंसी चरखियों में, तो आप ले सकते हैं, मैंने ये चरखियाँ आपको इसलिए दिखाई कि सिर्फ महंगी ही नहीं है और कम प्राइस में भी है, 250 की भी है, 350 की भी, और इसके स्टॉक भी हैं और भी बहुत सारे हैं आशीष भाई के पास, तो जल्दी फ़ोन करिएगा कि आपको स्टॉक निकल जाएगा, कुछ अभी इसमें की सेल हो गई है चरखी जो और डिज़ाइन थे, तो
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आशीष भाई का जो लाऊंगा मैं, वो आपको पतंग और मंझे का स्टॉक दिखाऊंगा उसमें। आज के लिए इतना ही।